तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहा था आपसे कि किस तरह से ये पेयर फॉर्म करता है। जब ये फिश पेयर फॉर्म कर जाएगा तो आपको हमेशा दिखेगा कि ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दो फिशेस जो है एक साथ में रहेंगे। अब इसमें से आपको मेल और फीमेल को सेपरेट करना है, मेल और फीमेल को अलग से पहचानना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा पेयर है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि दो मेल भी अगर जब जुवेनाइल स्टेज में रहता है या थोड़ा बड़ा होता है तो साथ में रहते हैं। तो मेल और फीमेल को समझना ये एंजल फिश के लिए जब छोटा रहता है तो समझना बहुत ही मुश्किल है। तो जिसके वजह से कुछ पॉइंटर्स मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि मैंने पर्सनली नोटिस किया है। पहला तो है बॉडी शेप। अब ये जो ब्लैक है ये फीमेल है और ये जो व्हाइट है ये मेल है। अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप, ये जो मेल है आपको दिखेगा कि काफी राउंड शेप का है और फीमेल जो है थोड़ा ओवल शेप का टाइप का रहेगा। अगर आपके एक्वेरियम में दो या उससे ज्यादा मेल है तो आपका जो मेल है, मेल का फोरहेड जो है, दो आंखों के बीच में जो जगह है सर के ऊपर, वहां पे एक बम्प दिखेगा। हालांकि ये तभी दिखेगा जब आपके एक्वेरियम में दूसरे मेल्स और भी रहेंगे। नहीं तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, इस एक्वेरियम में मेरा इस मेल के अलावा दूसरा कोई मेल नहीं है, तो जिसके वजह से क्या होता है इसका जो फोरहेड है उतना ज्यादा बम्प आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो वो दरअसल कंपटीशन के लिए वो करते हैं। और फीमेल जो है, फीमेल का जो हेड के ऊपर का हिस्सा है वो एकदम पूरा स्लाइडिंग रहेगा, ऑलमोस्ट लाइक 45 डिग्री एंगल्स के आसपास कुछ रहेगा। इसके अलावा जो सबसे इजी समझना है वो है ये जो आप फिन्स देख रहे हैं, जस्ट मुंह के नीचे से दो फिन्स जो निकलते हैं, ये फिन्स में अगर आपको फोक जैसा शेप दिखे तो वो मेल होते हैं। ये ही एक इंडिकेटर है जो जुवेनाइल पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके सहारे आप समझ सकते हैं कि ये मेल है और जो फीमेल है उसका कोई फोक जैसा नहीं रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। आप देख सकते हैं ये जो फीमेल है इसका देखिए दो जो फ्रंट फिन्स है, फ्रंट फिन्स के नीचे अगर देखेंगे तो कोई फोक जैसा नहीं है। हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए दो फोक्स जैसा आपको दोनों फिन्स में दिखेंगे। तो यही मेन इंडिकेटर्स है दोस्तों। इसके अलावा जो और एक इंडिकेटर बहुत ही अच्छी तरह से दिखता है, बट वो तभी दिखेगा जब आपका फीमेल या मेल पूरी तरह से मैच्योर हो गया है और एग ले करने का टाइम आ गया है। अगर इस फिश को देखेंगे, इसका नीचे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप देखिएगा ये जो हिस्सा है यहां पे देखिए ब्रीडिंग ट्यूब निकल रहा है। ये ब्रीडिंग ट्यूब काफी लंबा होता है, ये अभी निकलना चालू हुआ है, मतलब कि और दो एक दिन में ये जो फिश है ये फिश एग ले करने वाली है। हालांकि अगर आप मेल का देखेंगे तो मेल का ये एरिया पे देखिए आपको जो फिन है, ब्रीडिंग ट्यूब जो है वो नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, अगर दिखेगा भी तो एकदम छोटा होगा वो। तो उसके सहारे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो मेल और फीमेल को पहचानने के बाद आप देखिएगा, जैसे कि मैंने यहां पे ये पाइप दिया है, कभी कभार वो पाइप पे एग ले करेंगे, अगर पाइप आप बार बार उठा ले रहे हैं तो उस मामले में ऐसा भी हो सकता है जैसा मेरा फिश करता है कि ग्लास के ऊपर या फिर कोई लीप्स के ऊपर एग ले कर देंगे। तो उस मामले में आपको ये इससे पता चलेगा क्योंकि वो बार बार जाके मुंह से उस जगह को क्लीन करेंगे। जब आपको दिखे कि ये क्लीन कर रहा है पाइप को या स्लेट को या फिर कोई भी प्लांट का लीफ को, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी एग ले करने का टाइम आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक है ये पाइप को क्लीन कर रहा है, कभी आप देखेंगे मेल कभी फीमेल ये बारी बारी जाके क्लीन करता रहेगा। तो अगर इस तरह का आपको दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ब्रीडिंग का टाइम आ चुका है और एग लेकर बहुत ही जल्दी एग ले करने वाले हैं ये। और उसके ऊपर से ब्रीडिंग ट्यूब का, जैसे मैंने कहा, ब्रीडिंग ट्यूब को देख के भी आपको ये पता चलेगा। तो इस तरह से आपको एंजल फिश का मेल और फीमेल का पता चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। उसी के साथ आप मेरे चैनल पे ये नया वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो रिलीज करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं ब्रीडिंग वाला वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।